हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बाला। आई एम सुनूप और मेरे साथ है इस वक्त स्नेहा तौरानी जी। इनकी फिल्म आ रही है बंगड़ा पाले, डेब्यूटेंट डायरेक्टर है। आइए इनसे बात करते हैं इनके डायरेक्शन के बारे में, इनके करियर के बारे में और इनके फिल्म के बारे में। स्नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक सबसे यू। पहला सवाल, एज अ डायरेक्टर व्हाट आर द चैलेंजेस लाइक एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर? आई थिंक चैलेंज यही होता है कि आपको जो स्क्रिप्ट मिली है उसको कैसे जस्टिस दे सके और कैसे जो कहानी है वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करे, यू नो। तो जो आपके दिमाग में होता है, आप एक चीज़ इमेजिन करते हो, बट वो जो इमेजिन कर रहे हो वो स्क्रीन पे कैसे ट्रांसलेट हो, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जो इमेजिन करते हो वो उसका ट्रांसलेट होना बहुत ज़रूरी है। राइट। कारवा में भी आपने असिस्ट किया था, जी राइट? बहुत बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। या तो वहाँ से लेके अभी तक का सफ़र और किस तरह के, मतलब क्या क्या सीखा है आपने और कैसे आपने उस पर्टिकुलर सीख को बंगड़ा पाले में यूज़ किया है, अगर आप बता सकती हो तो। देखिए, मैंने काफ़ी सारे डायरेक्टर्स को असिस्ट किया जो काफ़ी बहुत ही अच्छे टीचर्स रहे हैं, यू नो। आयान सर के साथ वेकअप सिट की, फिर मोहित सर के साथ क्रुक और मर्डर 2, मिलन सर के साथ वंस अपॉन अ टाइम 2, और आकर्ष सर के साथ तो मतलब कारवा भी की है, उनकी फैंटम की फिल्म हाईजैक भी की है, एक वेब शो भी किया है। तो उन सबसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी प्रोसेस के बारे में, हर एक दिन को अगर एक प्रॉब्लम आती है तो कैसे हैंडल कर सके, कोई भी सिनारियो कैसे, यू नो, सेट पे एक जो भी प्रॉब्लम हो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, कैसे एक अच्छा हेल्दी हैप्पी वाइब क्रिएट करे, और वो सारी चीज़ें से ही आई थिंक आपको सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट मिलता है काम करने का और परफॉर्मेंसेस निकालने का, यू नो, और जेनरेट करने का, सबसे नेचुरल परफॉर्मेंसेस। तो आई थिंक उन सब का इन्फ्लुएंस रहा है इन दैट सेंस, यू नो। बंगड़ा पाले की अगर बात करें, सबसे बड़ी यूएसपी क्या है एंड व्हाई शुड ऑडियंस वॉच दिस फिल्म? बिकॉज इट्स अ फिल्म दैट कनेक्ट्स ऑन अ वेरी इंडियन लेवल, यू नो। एक इंडियन डांस फॉर्म पे एक पिक्चर बनी है जो काफ़ी एनर्जेटिक डांस फॉर्म है, लेकिन आप कहते हो कि ये नॉर्थ की डांस फॉर्म है, बट एक्चुअली भांगड़ा तो हम सब करते हैं शादियों में, तो हम लोग पता नहीं कितना ज़्यादा करते हैं, यू नो। सो आई थिंक इन दैट सेंस इट्स अ डांस फॉर्म दैट इज द बैकड्रॉप इन द फिल्म, एंड इट्स टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ टू टाइम लाइन्स, यू नो। एक 40s की कहानी है विच इज़ बेसिकली अबाउट अ सोल्जर देयर एंड हिज पैशन फॉर दिस डांस फॉर्म, और एक प्रेजेंट डे की कहानी है, बट कहानी टाइज इट सेल्फ इन टू द फैक्ट ऑफ लाइक हाउ डज लव इन्फ्लुएंस डांस ऑल्सो। आप जब प्यार में डांस करते हो तो कैसी वो फीलिंग आती है, यू नो। सो देर इज अ लॉट मोर टू द फिल्म एज वेल, यू नो, इन दैट सेंस। एंड आई थिंक दैट वेन यू वॉच द फिल्म यूल रियलाइज कि ऑफकोर्स इसका डांस फॉर्म है, बट इट ऑल्सो मूव्स यू इमोशनली। एज अ डायरेक्टर कैसी है आप? बहुत स्ट्रिक्ट है सेट्स पर, मतलब एक्टर्स की क्लास ले लेती है आप या फिर बहुत चिल्ड आउट है आप? नहीं, एक्टर्स की क्लास तो नहीं ली है एक्चुअली। सनी रुकशा ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है स्टार्ट से ही, तो आई थिंक इतनी सारी रीडिंग्स कर लिए थे पहले से, इतना सारा रिहर्सल कर लिया था कि डांस के तौर पे, बट आई थिंक उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे मैं पागल हूँ। नहीं, आई थिंक इतना स्ट्रिक्ट नहीं, बट आई आई डू फील लाइक कि हाँ, जब डिपेंडिंग ऑन द मूड ऑफ द सीन, अगर मूड थोड़ा इंटेंस है एंड ऑल दैट स्टफ, फिर मुझे ज़्यादा लाइक ऐसा मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाती हूँ कि ठीक है, ज़्यादा हंसी मजाक मत करना, थोड़ा मूड में रहना एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट नॉट स्ट्रिक्ट। आई थिंक वी हैड अ लॉट ऑफ फन मेकिंग द फिल्म। स्नेहा जी, आप कैमरे के पीछे से तो ऑपरेट कर रही है, बट आई थिंक कैमरे के सामने भी आप बेहद खूबसूरत लगेंगी। तो क्लिशेड सवाल पूछूंगा, एक्टिंग का चस्का कभी नहीं था मन में? नहीं, बहुत 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 ज़्यादा ऑकवर्ड हूँ कैमरे के आगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो नहीं, आप बहुत अच्छी कर रही है बट कभी इंटरेस्ट नहीं था, पैशन नहीं था एक्टिंग के लिए? नहीं, जब असिस्टेंट के तौर पे स्टैंड इन भी बनती थी ना कैमरे के आगे, तो मतलब इतना मजाक सब लोग उड़ाते थे क्योंकि मैं इतनी ऑकवर्ड हो जाती थी तो नहीं, आई थिंक हमेशा से पैशन रहा है एक डायरेक्शन का। फ्यूचर में किस सुपरस्टार को डायरेक्ट करना चाहेंगे आप? देखिए, प्लान है कि सबके साथ काम करना है नहीं, आपको एक चुनना पड़ेगा। कैसे चुनूं, वो स्क्रिप्ट पे डिपेंडेंट है ना, सो स्क्रिप्ट के हिसाब से डेफिनेटली। बट अमंग द थ्री खान, अगेन आई वॉन्ट टू वर्क विद ऑल, आई कांट टेल यू वन, आई जेन्युइनली वॉन्ट टू वर्क विद ऑल। चलिए, जाने से पहले एक शाउट आउट भंगड़ा पाले के लिए फॉर ऑल द व्यूअर्स आउट देयर। यस, भांगड़ा पाली इज रिलीजिंग ऑन 3rd Jan 2020, प्लीज कम टू द थिएटर, यू विल नॉट रिग्रेट इट। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।